नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। पांडुर्ना, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की 15 महीने वाली सरकार ने 2199 करोड़ रुपए की लागत से महगांव डैम से जुनवानी फिल्टर प्लांट तक 26 किलोमीटर बड़ी पाइपलाइन बिछाकर प्यासे पांडुर्ना का पेयजल संकट दूर किया है। इसमें DI K9 K7 450 से 500 व्यास की पाइपलाइन के साथ ब्रेक प्रेशर टैंक बाउंड्री वॉल कर्मचारी निवास 275 किलोवाट के 3 मोटर पंप हाउस आदि का कार्य सम्मिलित है। छिंदवाड़ा जिले के PHE विभाग के निर्देशानुसार CMR इंफ्रास्ट्रक्चर इंदौर के द्वारा पूर्ण कराया गया है। आगे ये सरपा नदी पांडुर्ना, सब स्टेशन यह CMR इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड इंदौर द्वारा निर्मित इंटेक वेल नंदेवानी का है, जहां पे हम पंपिंग करके वाटर को पांडुर्ना WTP पहुंचाते हैं। यह हमारा फ्लो मीटर है जिसमें हमें वाटर का फ्लो बताता है और यह भी यह साथ में भी दिखाता है कि कितना वाटर यहाँ से जा चुका है। यह हमारा एक्चुएटर पैनल है जिसके द्वारा इंटेक वेल में लगे हुए 4 गेट जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। यह हमारा इंटेक वेल है जो कि सरपा नदी पर बना हुआ है। हमारी सरपिनी नदी है जिसके द्वारा पानी इंटेक वेल में जाकर इंटेक वेल में लगे हुए स्टेनर है, 4 स्टेनर लगे हुए हैं जिसमें से एक नीचे डूबा हुआ है जिसके द्वारा इंटेक के अंदर एक स्टेनर डूबा हुआ है जिसे हम पंप के द्वारा पांडुर्ना के लिए पानी भेज। खबर समय जगत के लिए पांडुर्ना से देवेंद्र खुरसंगे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।